जनपद मिर्जापुर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जहां मालूम चला था कि मंदिर के नाम पर, मां विंध्यवासिनी देवी जी के मंदिर के नाम पर वेबसाइट, फेसबुक पेज इत्यादि बनाकर कुछ लोगों के द्वारा जो लोग हैं उनसे चंदे के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। इस पे तत्काल संज्ञान में आने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराकर इस घटना को वर्कआउट कराने के लिए एसपीसीडीओ सीओसीडी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इस घटना में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फेक फेसबुक पेज पर क्यूआर कोड डालकर लोगों से पैसे ऐंठने वाला जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ के दौरान इसने ये बताया है कि इस व्यक्ति ने एमफिल तक की पढ़ाई की है, जेएनयू से इसने ये पढ़ाई की थी, जो बाद में उसने ड्रॉप आउट हो गया था। एलएलबी की भी पढ़ाई की है और पटना में ये प्रैक्टिस भी करता है। और इसके द्वारा क्यूआर कोड एक लिया गया और अपने फेसबुक पेज पे मंदिर के नाम पर पैसा ऐंठने की नीयत से इसने लोगों को आमंत्रित किया कि आप, मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसमें आरती निर्माण इत्यादि के लिए आप लोग पैसा दीजिए, और इस माध्यम से कुछ पैसे इसने प्राप्त भी कर लिए थे। इसका प्लान था लाखों के रुपए ऐंठना, लेकिन तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको मात्र 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से 2 मोबाइल फोन जो इसने प्रयोग किया था ये फेक पेज वगैरह बनाने के लिए, ठगी के 4,000 रुपए एवं आधार कार्ड इत्यादि भी इससे बरामद हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर के नाम पे कोई भी इस तरीके का फ्रॉड करता है या फेक वेबसाइट बनाता है या चंदा या इस तरीके की चीजें करता है, जनता को गुमराह करता है, तो आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ में साइबर क्राइम के साथ साथ अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जाएगा।